जी दोस्तों, एग्जाम रेस टू में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के बाद और मिडवल हिस्ट्री से पहले वाले काल के, अर्थात इसको बोला जाता है पूर्व मध्य काल, जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच में होता है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य और अन्य साम्राज्य का चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जी दोस्तों, आपको बताना है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला कांची, दूसरा मदुरै, तीसरा कावेरी पट्टनम, चौथा तिरुचि। जी दोस्तों, आपको बताना है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला कांची, दूसरा मदुरै, तीसरा कावेरी पट्टनम, चौथा तिरुचि। तो इसका आंसर होगा मदुरै। जी दोस्तों, पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो मदुरै में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजवंशों की राजधानी थी? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजवंशों की राजधानी थी। पहला सांची, दूसरा तंजौर, तीसरा मदुरै, चौथा त्रिचिरापल्ली। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। पहला सांची, दूसरा तंजौर, तीसरा मदुरै, चौथा त्रिचिरापल्ली। तो इसका आंसर होगा तंजौर। जी दोस्तों, चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। पहला पांड्य, दूसरा चालुक्य, तीसरा चोल, चौथा राष्ट्रकूट। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। पहला पांड्य, दूसरा चालुक्य, तीसरा चोल, चौथा राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर होगा चोल। जी दोस्तों, चोल राजवंशों ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, चोल राजवंशों ने। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? जी दोस्तों, आपको बताना है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। पहला पल्लवों की, दूसरा चेरों की, चौथा पांडवों, तीसरा पांड्यों की, चौथा चालुक्यों की। जी दोस्तों, आपको बताना है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। पहला पल्लवों की, दूसरा चेरों की, चौथा पांड्यों की, चौथा चालुक्यों की। तो इसका आंसर होगा पल्लवों की। जी दोस्तों, महाबलीपुरम का जो मुख्य नगर है वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वे पल्लवों के पल्लव शासकों की रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। पहला चोल, दूसरा पांड, तीसरा चेर, चौथा पल्लव। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। पहला चोल, दूसरा पांड, तीसरा चेर, चौथा पल्लव। तो इसका आंसर होगा चोल। जी दोस्तों, चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है? जी दोस्तों, आपको बताना है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है। पहला सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, दूसरा सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, तीसरा सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, चौथा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। जी दोस्तों, आपको बताना है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है। पहला सुनियोजित राजवंश राजस्व प्रशासन में, दूसरा सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, तीसरा सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, चौथा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। तो इसका आंसर होगा चौथा, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। जी दोस्तों,
प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है स्थित है, ये दोस्तों आपको बताना है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला स्थित है वह है तिरुवण मल्लय, पहला है तिरुवण मल्लय, दूसरा है मदुरै, तीसरा चिदम्बरम, चौथा तंजौर। जी दोस्तों आपको बताना है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है में स्थित है, तिरुवण मल्लय, दूसरा मदुरै, तीसरा चिदम्बरम, चौथा तंजौर। तो इसका आंसर होगा चिदम्बरम। जी दोस्तों भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है वह चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। जी दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, पहला जयसिंह के द्वारा, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, तीसरा विक्रमादित्य चतुर्थ के छठवें के द्वारा, चौथा तैलप द्वितीय के द्वारा। जी दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, पहला जयसिंह के द्वारा, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, तीसरा विक्रमादित्य छठवें के द्वारा, चौथा तैलप द्वितीय के द्वारा। तो इसका आंसर होगा तैलप द्वितीय के द्वारा। जी दोस्तों राष्ट्रकूटों को तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु वह महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, किस गुफा में है आपको बताना है। पहला कलवा, दूसरा एलोरा, तीसरा एलिफेंटा, चौथा अजंता। जी दोस्तों आपको बताना है तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है, पहला कलवा में, दूसरा एलोरा में, तीसरा एलिफेंटा में, चौथा अजंता में। तो इसका आंसर होगा एलिफेंटा में। जी दोस्तों एलिफेंटा में तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति को एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है जो मूर्ति वो कहाँ पे है, एलिफेंटा में है। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। जी दोस्तों आपको बताना है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, पहला चालुक्य, दूसरा चोल, तीसरा कदंब, चौथा कलचुरी। जी दोस्तों आपको बताना है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, पहला चालुक्य, दूसरा चोल, तीसरा कदंब, चौथा कलचुरी। तो इसका आंसर होगा चोल। जी दोस्तों चोल जो शासक थे, चोल राजवंश जो थे, वे अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, पहला है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, दूसरा है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, तीसरा है चोल एवं होयसल के मध्य, चौथा है चोल एवं पांड्यों के मध्य। जी दोस्तों आपको बताना है दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, पहला चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, दूसरा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, तीसरा चोल एवं होयसल के मध्य, चौथा चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका आंसर होगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। जी दोस्तों चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, पहला बौद्धों से,
बौद्धों से, दूसरा बौद्धों एवं जैनों से, तीसरा हिंदुओं एवं जैनों से, चौथा हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। जी दोस्तों, आपको बताना है एलोरा में गुफाओं व शैलकृति मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से। पहला बौद्धों से, दूसरा बौद्धों एवं जैनों से, तीसरा हिंदुओं एवं जैनों से, चौथा हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। तो इसका आंसर होगा चौथा, हिंदुओं जैनों हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। जी दोस्तों, एलोरा में जो गुफाएं हैं वहाँ की जो शैलकृत मंदिरें संबंधित हैं वो हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों तीनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक, जी दोस्तों किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। जी दोस्तों, आपको बताना है किस चालुक्य शासक ने, जी दोस्तों किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण भारत दक्षिण बढ़ने से रोका। पहला पुलकेशिन प्रथम ने, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय ने, तीसरा विक्रमादित्य प्रथम ने, चौथा विक्रमादित्य द्वितीय ने। जी दोस्तों, आपको बताना है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे भारत दक्षिण बढ़ने से रोका। तो पहला है पुलकेशिन प्रथम, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा विक्रमादित्य प्रथम, चौथा विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका आंसर होगा विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। जी दोस्तों, चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर परास्त किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, जी दोस्तों आपको बताना है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। पहला विजयनगर क्षेत्र, दूसरा मालाबार क्षेत्र, तीसरा दक्कन का क्षेत्र पठार, चौथा कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। ये दोस्तों आपको बताना है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। पहला विजयनगर क्षेत्र, दूसरा मालाबार क्षेत्र, तीसरा दक्कन का पठार, चौथा कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग। तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ये दोस्तों, चोलों का जो राज्य था वह कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ये दोस्तों आपको बताना है चोल युग क्यों प्रसिद्ध था। पहला धार्मिक विश्वास के लिए, दूसरा ग्रामीण सभाओं के लिए, तीसरा राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, चौथा लंका से व्यापार के लिए। जी दोस्तों, आपको बताना है चोल युग क्यों प्रसिद्ध था। पहला धार्मिक विश्वास, दूसरा ग्रामीण सभाएं, तीसरा राष्ट्रकूटों से युद्ध, चौथा लंका से व्यापार। तो इसका आंसर होगा दूसरा ग्रामीण सभाओं। जी दोस्तों, जो चोल युग था वो ग्रामीण सभाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। जी दोस्तों, आपको बताना है चालुक्य पल्लव के संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। चालुक्य पल्लव, आप जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के लोगों ने शासक ने हत्या की। जी दोस्तों, तो ये जो शासक हैं वो पल्लव वंश के होंगे। तो आपको बताना है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। पहला महेंद्र वर्मन प्रथम जी, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम जिसको मामल्ल बोलते हैं, तीसरा महेंद्र वर्मन द्वितीय, चौथा नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसको बोलते हैं राज सिंह। जी दोस्तों, आपको बताना है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने
किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कुंडा जिसे वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। पहला महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल्ल बोलते हैं, तीसरा महेंद्र वर्मन द्वितीय, चौथा नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे राजसिंह बोलते हैं। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे बोला जाता है मामल्ल। जी दोस्तों, चालुक्य पल्लव वंश के संघर्ष अर्थात जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का था और जो नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसे मामल्ल बोला जाता है वो पल्लव वंश का था। अर्थात यहाँ पे पल्लव वंश ने चालुक्य वंश को क्या किया, परास्त किया, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय की हत्या होकर की गई। और किसने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था और वहां पे वातापी कोंडा का क्या किया, उपाधि धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये दोस्तों आपको बताना है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। पहला राज राजा प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा राजेंद्र द्वितीय, चौथा विक्रम चोल। ये दोस्तों आपको बताना है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। पहला राज राजा प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा राजेंद्र द्वितीय, चौथा विक्रम चोल। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। जी दोस्तों, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी काट कर इलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पहाड़ी काट कर इलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पहला कदम्ब ने, दूसरा राष्ट्रकूट ने, तीसरा चोल ने, चौथा चेर ने। जी दोस्तों आपको बताना है, पहाड़ी काट कर इलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पहला कदम्ब ने, दूसरा राष्ट्रकूट ने, तीसरा चोल ने, चौथा चेर ने। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट ने। जी दोस्तों, एलोरा की जो गुफाएं थी और एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनवाया गया था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। जी दोस्तों आपको बताना है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। पहला जयसिंह द्वितीय, दूसरा विक्रमादित्य पंचम, तीसरा सोमेश्वर द्वितीय, चौथा पुलकेशिन द्वितीय। जी दोस्तों आपको बताना है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचमी, सोमेश्वर द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। जी दोस्तों, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। जी दोस्तों आपको बताना है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पहला आदित्य प्रथम ने, दूसरा राज राजा प्रथम ने, तीसरा राजेंद्र प्रथम ने, चौथा कारिकाल प्रथम ने। जी दोस्तों आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पहला आदित्य प्रथम ने, दूसरा राज राजा प्रथम ने, तीसरा राजेंद्र प्रथम ने, चौथा कारिकाल प्रथम ने। तो इसका आंसर होगा राज राजा प्रथम ने। जी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तो वो था राज राजा प्रथम। जी दोस्तों, राज राजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। जी दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उनको शेयर करिए। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।